गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें हम लोगों ने व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में जाना। भूमंडलीकरण क्या होता है, व्यापार क्या होता है, और भारत में किस तरह ब्रिटिश शासन के यानी औपनिवेशिक काल में व्यापार और भूमंडलीकरण में भारत ने किस तरह विकास किया, इसको भी हम लोगों ने देखा। अब इसमें अगला टॉपिक है आपको दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। यानी जब दो महायुद्ध हुए, एक 1914 से 1918 तक और दूसरा 1939 से 1945 तक, यानी दो महायुद्ध हुए थे, दो विश्व युद्ध हुए थे। इन बीच में क्या घटनाएं हुई इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम महायुद्ध हुआ, उसने यूरोप की सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, यानी यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था को उसने बर्बाद कर दिया। यूरोप के बहुत सारे देश, इटली, जर्मनी, जो औद्योगिक क्रांति का जो केंद्र था, इंग्लैंड, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के कुछ देश, ये देश उस समय विकास कर किए थे, ये देश उस समय विकास की प्रथम विश्व युद्ध से लेना देना नहीं था, तो ये देशों में काफी विकास का फैलाव होगा काफी, या और भी बहुत सारे औपनिवेशिक देश भी थे जिनमें विकास हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी। जैसे भारत में आप देखें तो कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों में हमारे जो उद्योगपति थे उनके प्रयास से टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि विकास हुए, इत्यादि इसी विकास की उपज है। ये लोग इसी प्रथम विश्व युद्ध के बीच में इन्होंने विकास किया यहाँ औद्योगिक चीजों का, उद्योगों का। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बहुत सारे देश तो बर्बाद हो चुके थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज्यादा विकास हुआ, उसको लाभ मिला, या बहुत सारे औपनिवेशिक देश थे जिसमें भारत भी था, इसको भी लाभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बहुत सारे देशों को पैसा दिया गया, बैंकों द्वारा ऋण दी गई, पैसे दी गई, उसके उद्योगों को, उसके व्यवस्था को, उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे एक लंबे समय बीतने के बाद, एक कुछ समय बीतने के बाद ये पूर्णतः ये विकास चला नहीं। और जब 1929 का समय आया तो 1929 के आते आते पूरे दुनिया में एक ऐसी संकट उत्पन्न हो गई जिसका आभास पूरी दुनिया को नहीं था, यानी 1929 का आर्थिक संकट, यानी 1929 में आर्थिक संकट आया जिसके आभास पूरी दुनिया में नहीं थी। अब आर्थिक संकट क्या कहलाता है और आर्थिक मंदी दोनों एक ही है, तो आर्थिक मंदी क्या कहते हैं, अर्थ जगत में यानी अर्थव्यवस्था में भारत या किसी भी देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कृषि उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, अर्थव्यवस्था में ऐसी घटना जिसमें अर्थव्यवस्था के तीन आधार जो है कृषि, उद्योग और व्यापार, उसका विकास रुक जाए, लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, बैंक और कंपनी बर्बाद हो जाए, मुद्रा की कीमत घट जाए, बाजार में मुद्राओं की कीमत नहीं है, तो उसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं या आर्थिक संकट कहते हैं। तो इस प्रकार की संकट 1929 के आपको आया, 1929 में आर्थिक मंदी आई, आर्थिक संकट आया पूरे विश्व में, और इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया में, इसलिए कि इसमें अमेरिका भी प्रभावित हुआ। बहुत सारे अर्थव्यवस्था में जो जुड़े देश थे वो तबाह हो गए थे, जो सामान उत्पादन हो रहा था उसकी कीमत नहीं मिल रही थी, उसको खरीदने वाले लोग नहीं थे, चूंकि
पैसे की कमी हो गई थी लोगों के पास, जो अनाज था वो कम दामों पर बेचने के लिए लोग बाध्य थे कि कम दाम पर बेच के भी कुछ मैनेज किया जाए, लेकिन वो अनाज रखे रखे सड़ गया था, खरीदने वाला कोई नहीं था, लोग बैंकों के पास नहीं थे कि किसी को कर्ज दे पाए। ऐसी स्थिति में स्थिति खराब होती चली गई, भुखमरी की स्थिति पैदा होती चली गई। इसमें आप लोगों का एक शब्द है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार हम किसे कहते हैं, हमारा शेयर मार्केट आप लोगों को मुंबई में है, आप लोग टीवी न्यूज में देखेंगे, पेपर में रोज निकलता है कि सेंसेक्स इतना बड़ा शेयर बाजार का आता है। तो शेयर बाजार क्या होता है, वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों और व्यापारी कंपनियों के बाजार के बाजार का मूल्य निर्धारित किया जाता है। औद्योगिक कंपनियों और व्यापारिक कंपनियों का जो बाजार मूल्य होता है वो निर्धारित किया जाता है, उसको हम शेयर बाजार करते हैं। और शेयर बाजार में बहुत सारे आम लोग अपना हिस्सेदारी लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और जब कंपनी का माल महंगा होता है तो उसको बेचते हैं। इस तरह को हम लोग शेयर मार्केट करते हैं, या सट्टेबाजी भी इसको कहते हैं। लोग कंपनी में अपना पैसा लगाए और जब कंपनी का भाव बढ़ा तो उसको बेच दिए, अपना शेयर बेच दिए। जैसे कोई कंपनी खड़ा कर रहा है तो उसमें हम भी 100 रुपया शेयर लगा दिए, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया और कंपनी का जो माल बिकने लगा, जब अधिक हो गया पैसा तो हमारे पास अधिक पैसा आ गया, 100 रुपये के बदले हमको बेचा गया तो हमको 200 रुपये 300 रुपये। इस तरह सट्टेबाजी होती है और इस शेयर मार्केट लगाया जाता है। तो जब आर्थिक मंदी आई तो पूरे विश्व में इसको परेशानी हुई, हर देश को, उस समय हर देश तो बर्बाद हो गए थे। जो भी प्रथम विश्व युद्ध में आपको इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप का मुख्य कंट्री जो इंग्लैंड था, जो औद्योगिक क्रांति की जो केंद्र था, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस समय अमेरिका जो फिर से उन देशों को अर्थव्यवस्था खड़े करने के लिए जो लोन दिया था, जो ऋण दिया था, अमेरिका की स्थिति भी काफी खराब हो गई, तो उसने अपने सारे लोन को वापस मांगने लगा। यानी आर्थिक मंदी का जो प्रभाव हुआ वो बहुत ही गहरा होता चला गया उसका प्रभाव। अमेरिका ने जितने भी देशों को ऋण दिया था उस देशों से ऋण उन्होंने मांगने लगे, तो एक पूरे विश्व की लिए एक आर्थिक समस्या आ गई कि आखिर इतना पैसा कैसे लौटाया जाए पूरे आर्थिक मंदी के दौर में। उसके लिए अमेरिका ने जितने लोग अमेरिका अपने देश में जितने लोगों को उन्होंने बैंक लोन दिए थे कार खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, बैंकों ने क्या किया, सबका कार सबका घर अपने कुर्क कर लिया, अपने अंदर जब्त कर लिया बैंकों ने, अपना बैंकों की स्थिति ठीक करने के लिए उनका गाड़ी खींच कर ले लिया है, उनका घर बंद कर दिया, ले लिया अपने हैंड में। तो इस तरह की कोशिशें बैंकों के द्वारा की जाने लगी और यही कारण था कि 1937 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। यानी इतनी विशाल आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक संकट आई थी, इस पूरे विश्व का हर चीज तहस नहस हो गया था। अगर इस मंदी का भारत पर अगर प्रभाव देखें हम, भारत पर इसका प्रभाव किस तरह पड़ा था, तो भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता, चूंकि भारत औपनिवेशिक शासन में था, यानी यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लैंड का शासन था और इंग्लैंड आर्थिक मंदी से प्रभावित था, तो निश्चित है कि यहाँ भी वो प्रभाव पड़ेगा, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रभावी होगा वो चीज। यहाँ पर जो आपको सूती कपड़ा को जो उद्योग था, जो आयात निर्यात था, उसका दर काफी नीचे चला गया था। कृषि का जो गेहूं का उत्पादन था, गेहूं की कीमत में 50% कमी आ गई थी। तो इस तरह की तमाम संभावना, यानी आर्थिक मंदी में सब लोग बेकार हो गए थे। कंपनियां जब बेकार हो गई तो काम करने वाले बेकार हो गए, उनके पास पैसे आए नहीं तो मार्केट में नहीं गए खरीदने के लिए। तो इस तरह की तमाम समस्याएं आर्थिक मंदी में आई थी। तो आज के लिए वीडियो में आपको इतना ही, अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक विश्व बाजार के बदले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।